Hello and welcome to once again. Now we are going to discuss section 1 of the Indian Evidence Act, that is short title, extent and commencement. So the word in this section, that is short title likha hua hai yahan pe, long title kyun nahi likha hua, that is the question. Short title hi kyun likha hai, long title kyun nahi likha. शॉर्ट टाइटल का जब मतलब आता है तो शॉर्ट टाइटल का हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज जो एक सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइटल कोई भी एक्ट के अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टाइटल जनरली मोस्टली एक्ट के आगे शॉर्ट टाइटल जो सेक्शन 1 होता है उसमें लिखा होता है. तो शॉर्ट टाइटल क्या होता है, एक जनरल पर्पज का कोई एक्ट होता है उसमें उसके लिए तो शॉर्ट टाइटल आता है. लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट जो कोई स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है तो वहाँ पर लॉन्ग टाइटल आता है. फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम वुमेन Protection of Right and Divorce Act 1986. मुस्लिम वुमेन्स के लिए जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है डिवोर्स के लिए 1986 का एक एक्ट बना हुआ है. तो इस एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टाइटल. ये लॉन्ग टाइटल है क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना है यहाँ पे. तो दैट इज लॉन्ग टाइटल. तो यहाँ पे जो इसका शॉर्ट टाइटल है दैट इज दिस एक्ट इज कॉल्ड एज इंडियन एविडेंस एक्ट. फिर सेक्शन 1 में आगे बात करिए टाइटल के बाद एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन, कि ये जो एक्ट है इसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है, ये कितनी बाउंड्री कवर कर रहा है. बाउंड्री का मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी, किस टेरिटरी में इसका पार्ट होगा, किस टेरिटरी में एप्लीकेबल है या किस टेरिटरी में एप्लीकेबल नहीं है. तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये इंडिया की पूरी टेरिटरी में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. फिर इसका जो तीसरा वर्ड है दैट इज कमेंसमेंट, कि ये कब आया, When it was commenced. तो इसकी जो commencement मैं आपको first video में भी date बता चुका हूँ कि ये 1st September 1872 को enforce हुआ था. अब यहाँ पे एक तरह से हम section की एक बार reading लगा लेते हैं कि section में क्या बात करी है. तो section में बात करी है कि this act may be called the Indian Evidence Act 1872. That is the short title of this act. It extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. फिर इसमें बता रखा है कि इंडिया में ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. फिर इसमें आगे बात करिए दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सटेंट. इसमें बात करिए आगे अप्लाइज टू ऑल ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट. ये एप्लीकेबल है वो सारी प्रोसीडिंग्स के जो किसी कोर्ट में होती है. तो यहाँ पे जो टर्म आई है इन और बिफोर एनी कोर्ट का जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि दो तरह की कोर्ट्स होती हैं. एक तरह का अगर हम माना जाए तो देखा जाए तो एक कोर्ट होती है जो जनरल, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो आप जनरल नॉर्मल कोर्ट्स में देखते हैं, जो उनका प्रेमाइसिस होता है. तो जब कोई भी एविडेंस किसी भी प्रेमाइसिस के अंदर दिया जा रहा है तो दैट इज इन द कोर्ट. लेकिन आपने देखा होगा मोबाइल कोर्ट्स होती है. मोबाइल कोर्ट्स का मतलब है कि किसी किसी पर्टिकुलर डेज में, मंथ के पर्टिकुलर डे या फिर किसी 6 महीने में, फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर डे फिक्स होता है कि उस दिन एक पंचायत टाइप जैसा होता है, उसमें एक तरह से ओपन कोर्ट होता है वो. तो उस दिन जो एक पर्टिकुलर जो जजेस होते हैं वो पर्टिकुलर डे के दिन वहाँ पे जाके बैठते हैं और जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. तो दैट इज ओपन कोर्ट. तो जहाँ ओपन कोर्ट है तो वहाँ के लिए ये वर्ड आया है बिफोर एनी कोर्ट. तो मतलब एक प्रेमाइसिस है, किसी भी बिल्डिंग है, तो कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके लिए आया इन द कोर्ट. और जहाँ ओपन कोर्ट होते हैं जिनको मोबाइल कोर्ट बोलते हैं, मोबाइल कोर्ट मतलब इस तरह से किसी भी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं कि आज यहाँ पे लगाया जा रहा है, कल यहाँ लगाया जाएगा, तो वैसे जो मोबाइल कोर्ट है उनमें अगर एविडेंस लगते हैं दैट इज बिफोर द कोर्ट. फिर इसमें बात करी है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल other than court martial conveyed under the army act, the naval discipline act or indian navy discipline act 1934 or the air force act. yahan ye baat kar raha hai ki court martial ko hum include karenge, lekin fir ye bol raha hai ki court martial wo wale include nahi honge jo army act, navy act aur air force act mein jo de rakhe hain, वो वाले कोर्ट मार्शल हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो यहाँ ये कोर्ट मार्शल इंक्लूड कर रहा है और कुछ के इंक्लूड नहीं कर रहा है इन एक्ट्स में जो दिए हुए हैं. तो ये कोर्ट मार्शल जो टर्म है, ये टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई आर्मी का जो ऑफिसर होते हैं या फिर आर्मी में जो भी लोग हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी पर्सन काम करते हैं, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो उनके जो ग्राउंड्स हैं, जो उनके
जो डिफाइन है, कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट में होता है, तो उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल का मतलब उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो कोर्ट मार्शल एक तो इंक्लूड है, लेकिन बचे हुए जो इन एक्ट्स में है वो इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये जो एक्ट बना हुआ है ये बना हुआ है 1872 का। तो 1872 में कुछ लोग इंडियन जो होते थे, इंडियंस होते थे, वो आर्मी में होते थे, लेकिन कुछ होते थे जो ब्रिटेन से आते थे, लंदन से आते थे, यूके से जो लोग हमारे इंडिया में आते थे, जो आर्मी ऑफिसर होते थे वो हमारे इंडिया में आते थे। तो यहाँ पे जो कोर्ट मार्शल इंक्लूड है, वो कोर्ट मार्शल उन लोगों का इंक्लूड है जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारत के सैनिक होते थे, उनका कोर्ट मार्शल इस एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन से, जो यूके से, जो इंग्लैंड से जो लोग आ रहे थे, जो आर्मी ऑफिसर या सेलर, जो आर्मी सर्विस और आर्मी के जो लोग होते थे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो भी ऑफिसर्स होते थे या फिर जो भी इनमें काम करने वाले लोग होते थे, जो सोल्जर्स होते थे वहाँ के, ब्रिटेन के या ब्रिटिश सोल्जर्स, उनके लिए ये एक्सेप्शन था, उनमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो एक्ट बता रखे हैं, यहाँ पे जो प्रोविजन बने हुए हैं इन एक्ट में, ये एक्ट में प्रोविजन वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनके लिए बने हुए हैं। तो उनका जो कोर्ट मार्शल था वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता था। फिर आगे लिखा है, वट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। फिर इसमें लिखा है कि आप कोई अगर एफिडेविट किसी कोर्ट या ऑफिसर को दे रहे हैं। अब एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये स्टेट करके देखते हो कि ये जो सारी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे बारे में या किसी और पर्सन के बारे में, ये मेरी जानकारी से जैसा मुझे पता है वो एकदम सत्य है, जो एकदम सही है, वो एकदम करेक्ट है। तो ये एक एफिडेविट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एफिडेविट। उसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि ये जो मैंने जानकारी दी है इन पॉइंट्स में, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज करेक्ट, और उसमें आपके फिर सिग्नेचर होते हैं, दैट इज एफिडेविट। तो उसमें आप एक तरह से कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि जो मुझे पता है ये सारी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये एफिडेविट में इंक्लूड जो एफिडेविट होते हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसका यही कारण है, क्योंकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो, एफिडेविट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन जिसको जो आपको पता होती है। तो एफिडेविट की जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आप दे रहे हो किसी पर्सन को, तो उसमें आप बता रहे हो कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो इसमें अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये आप जो सेल्फ बिलीफ रखते हैं, जिसका आप में विश्वास होता है किसी भी चीज़ के लिए, आप वो वाली बात इसमें बताते हैं। और ये हो सकता है विच वुड बी स्ट्रिक्टली हेयर से का मतलब ये हो सकता है कि वो किसी ने सुनी सुनाई बातों पर। सपोज मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। राम बोलता है कोर्ट में जाके कि मैंने 4 जनवरी को शाम को 4 बजे एक ओ नाम के व्यक्ति को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा, ऐसा मुझे सी ने बताया है। एक पर्सन है, वो कोर्ट में जाके ये गवाही ये बता रहे हैं कि सी पर्सन ने मुझे ये बताया है कि शाम को 4 बजे 4 जनवरी को एक पर्सन को उसने देखा था, ऐसा उसको ए को सी ने बताया। वापिस एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ए पर्सन कोर्ट में जाके ये बोलता है कि मुझे बी पर्सन ने ये बताया कि सी एक 4 तारीख को शाम को 8 बजे इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तो यहाँ पे जो ए की इन्फॉर्मेशन है ये उसकी सेल्फ बिलीफ पे है, उसकी नॉलेज पे है, जो कि उसको बी ने दी है सी के बारे में। थर्ड पर्सन मतलब टोटल यहाँ पे 3 पर्सन है, 3 पर्सन, थर्ड पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट पर्सन को दी जा रही है सेकेंड पर्सन के द्वारा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक बीच में सेकंड पर्सन है, वो सेकंड पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है और वो फर्स्ट पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को बता रहा है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन की, तो इस कारण ये हियर से होता है, और हियर से जो एविडेंस होता है वो लॉ एविडेंस में अप्लाई नहीं होता। हियर से मतलब जो सुनी सुनाई बात है कोई भी, तो सुनी सुनाई बात का एविडेंस लॉ एविडेंस में अप्लाई नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता है। फिर इसमें आगे बात करी है, नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है, जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो आर्बिट्रेटर कहलाता है। अगर जब डिस्प्यूट वाली जो पार्टी डिस्प्यूट में है वो ही अगर अपनी मर्जी से किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, वही अपने पर्सन को आर्बिट्रेटर बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस क्यों लगेगा? ये तो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस होगा। क्योंकि सपोज मान लीजिए आज मेरी और किसी थर्ड पर्सन की लड़ाई होती है और हम दोनों मिलकर किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, दैट इज आर्बिट्रेटर, और वो होने में इन रिलेशन कोई ऐसा मेरे रिलेशन से वो मेरे अंकल लगते हैं,
तो वो एक तरह से बायसनेस वाली जो फीलिंग है वो उनके अंदर हो सकती है, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं। तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, एंड आर्बिट्रेटर के लिए ये जो एक्ट है ये इंक्लूड ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लास्ट लाइन इस एक्ट की है वो ये है इस सेक्शन की, दैट इज एंड इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872। जैसा मैं आपको पहले बता सकता हूँ दैट इज द कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 1। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।